तो है गाइस, कैसे हो? हेक्सो पड़ियाओं को ट्रू फाइली गाइस आ चुके हैं पैंड सुपरस्टार रेवल स्टार डाली प्रवास की काल की 2890 AD के कोने एपिसोड में वापस। तो भाई आज चल रहा है डे नंबर 31 एंड 5th ऑफ सैटरडे है भाई। इसी दिन का हम सभी को इंतजार था कि कब भाई सैटरडे संडे आएगा, कब भाई पिक्चर को एक एनर्जी ड्रिंक है गाइस वो मिलेगी एंड हमें अच्छा आशा बड़ा जब पर वो देखने को मिलेगा। फाइनली भाई आज वो दिन आ गया एंड मैंने कई सारे प्लेस में देखा कि या एडवांस में हमें ऑरेंज शोज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। पर उससे पहले देखेंगे गाइज हम यहाँ पे फ्राइडे के दिन भाई क्या हमें फाइनल नंबर है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है, जो मैंने बताया था क्या वो राइट हुआ या फिर रॉन्ग कि फ्राइडे नाइट के शोज हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग जाएंगे। क्यों? क्योंकि सैटरडे भाई 50% ऑफ डे रहता है। तो कल यहाँ पे 2D 3D वर्जन की बात करें ओनली फॉर हिंदी लैंग्वेज की। तेलुगु देखा जाए तो इवनिंग टू नाइट काफ़ी मिलता जुलता ही रहा, बट एक हिंदी में हमें भाई अच्छा खासा थोड़ा जंप है वो देखने को मिला है। 2D वर्जन मॉर्निंग की 7% ऑक्युपेंसी, आफ्टरनून की 11 एंड यहाँ पे इवनिंग की 12 और नाइट की भाई 23। इवनिंग टू नाइट ऑलमोस्ट भाई हमें डबल जंप है वो देखने को मिला है, लेकिन जो बताया था भाई वो राइट नाइट के शोज फिर भी देखा जाए तो अच्छे खासे रहे हैं। 3D वर्जन मॉर्निंग की 9, आफ्टरनून की 20, इवनिंग 26 एंड नाइट बाई 36। यहाँ पर भी देख लो 2D वर्जन हो या फिर 3D क्यों ना हो, हमें भाई थोड़ा सा जंप है वो देखने को मिला है और यही सेम जंप हमें आज के दिन भी देखने को मिलेगा इवनिंग टू नाइट शोज। एंड सिटी पर भी देखें तो मुंबई भाई इवनिंग 12, नाइट 28 काफ़ी बढ़िया रहा एंड NCR में 9 एंड नाइट ऑलमोस्ट 23%, यहाँ पर भी डबल जंप रहा। पुणे 16, नाइट ऑलमोस्ट 32, इवनिंग की 16 भाई यहाँ पर भी डबल जंप रहा। मतलब कि जो मेजर सेंटर है हिंदी वर्जन के वहाँ पर अच्छा खासा हमें जंप है वो देखने को मिला है। इवन आप हैदराबाद देखोगे हिंदी शोज 10 इवनिंग की जो कि नाइट की ऑलमोस्ट 40%, यहाँ पे दो दो तीन तीन गुना हमें जब पे वो देखने को मिला है। इवन जयपुर देखोगे इवनिंग 14, नाइट बाई 32%, हर एक प्लेस में भाई जंप है। भोपाल 19 एंड नाइट ऑलमोस्ट 37% भाई यहाँ पे भी हमें डबल जंप है वो देखने को मिला है। एंड फाइनली भाई कितना नंबर है वो आ सकता है? देखो अभी हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो कहना होगा कि नियरली 75 से लेके 80 लाख के आसपास दिख रहा है जगह इस 75 से लेके 80 लाख के आसपास, जो कि फ्राइडे यहाँ पे फ्राइडे नहीं भाई थर्सडे 85 लाख बिजनेस किया था हिंदी लैंग्वेज का, तो काफ़ी क्लोज तक भाई मामला है वो गया है। एंड 3D वर्जन के केवल भाई 421 शोज थे फ्राइडे के दिन, 421 शोज और विद आउट ब्लॉक्सिस पता कितना डेटा है, 27,12,762 कल के दिन ये ऑनलाइन नंबर है वो देखने को मिल रहा है विद आउट ब्लॉक्सिट्स एंड 8,524 प्लस हमें यहाँ पे फुटफॉल्स है वो देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी बढ़िया नंबर है वो देखने को मिल रहा है। मतलब जो पब्लिक ने जनता ने गाइस वो टिकट लिया है विद ब्लॉक, इस नंबर हम शेयर कर रहे हैं विद ब्लॉक, ये नियरली 40 लाख के आसपास है केवल 421 शोज में। इसे ये पता चलता है कि कल के दिन हमें क्या ऑक्युपेंसी है वो देखने को मिल रही है 3D वर्जन में। यार सोचो कि शोज यहाँ पे 1000 के आसपास होते तो भाई ये 27 जो लिखा है विद और ब्लॉक शायद ये 50 प्लस भी हो सकता था, 50 लाख प्लस। एंड ऑल ऑफ लैंग्वेज आप नियरली भाई 1.20 से लेके 1.25 CR के आसपास पकड़ लो। तेलुगु लैंग्वेज 35 से लेके 40 लाख के आसपास मुझे अर्ली इस्टीमेट है वो देखने को मिल रहा है। तो ये तो रहा भाई यहाँ पे डे नंबर 30 का सम नज़ारा एंड वर्ल्ड वाइड फिगर जाएगी आपने डे नंबर 30 तक नियरली 1112 करोड़ के आसपास का फिगर है वो जाने वाली है। अभी नॉर्थ अमेरिका का फाइनल अर्ली इस्टीमेट वो नहीं आया, बट अच्छे खासे नंबर वहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं। अभी डेडपूल आ चुकी है, मैंने देखा कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ लोकेशन भाई नहीं बची हैं। तो ओवरसीज़ अभी आप भाई उम्मीद छोड़ दो कि यहाँ पे 30-40 लाख भी आ जाए तब भी बड़ा नंबर है, ओवरसीज़ की बात कर रहे हैं। नाउ अब मूव कर दे आज की ओर भाई डे नंबर 31 एंड 5th ऑफ सैटरडे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे भाई बुक माय शो, 35,000 टिकटें बिकी हैं लास्ट 24 आवर्स में, 35,000 मंडे आई थिंक 33,000 टिकटें बिकी थी, ट्यूजडे भी 33,000, वेडनेसडे एंड थर्सडे 27,000 एंड थर्सडे भाई अगेन 35,000। मतलब कि मामला भाई 2 करोड़ प्लस आज शायद जा सकता है। थोड़े यहाँ पे शोज का हम देखें कंपैरिजन टू यस्टरडे टू टुडे हमें कहाँ पे भाई इंक्रीज या फिर ड्रॉप है वो देखने को मिले हैं। तेलुगु वर्जन यहाँ पे 2D वर्जन 815 शोज आज है, कल थे भाई 820 शोज। भाई क्या चल रहा है भाई, 5 शो तो यहाँ पे ड्रॉप हो गए,
बट अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी दोपहर इवनिंग तक भाई शोज इंक्रीज हो सकते हैं। ऐसा हमने कल भी देखा था, वर्ल्ड ऑफ 6x5 3D वर्जन कल थे भाई 110 शोज। तो कहना होगा कि भाई यहाँ पे तेलुगु वर्जन के शोज हैं कंपैरिजन टू यस्टरडे फ्राइडे ड्रॉप हुए हैं आज के दिन। एंड हिंदी 2D वर्जन 1466 शोज आज हैं और कल थे 1449 शोज। तो यहाँ पे भाई शोज हैं वो इंक्रीज हुए हैं। 3D वर्जन 417 कल थे भाई 421 शोज, भाई यहाँ पे 4 शोज हैं वो ड्रॉप हो गए। आगे भाई 3D वर्जन कहना होगा शोज के लिए तरस रहा है एंड वो भी आज 4 शोज वो ड्रॉप हो गए हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मलयालम वर्जन की बात करें तो कल 16 थे और आज भी 16 ही हैं। 3D वर्जन के कल 18 थे और आज भी 18 ही हैं। एंड तमिल आज 49 है कल 54 थे भाई ड्रॉप हो गए हैं। 3D वर्जन आज 22 है और कल 25 थे यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं। कहना होगा कि कंपैरिजन टू यस्टरडे टू टुडे आज थोड़े शोज हमें वो ड्रॉप देखने को मिले सिर्फ हिंदी 2D को छोड़ दे। तो आज कितना नंबर है वो आ सकता है। देखो आज मॉर्निंग के शोज़ थोड़े कहना होगा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, बट आफ्टरनून इवनिंग एंड नाइट के शोज़ है वो भर भर के जाने वाले हैं। एंड अभी मैंने देखा हैदराबाद में AMB सिनेमा भाई उनके 2-3 शोज़ है वो हमें फास्ट फीलिंग है वो देखने को मिल रही है। भाई ऐसा हम काफ़ी कम ही देखते हैं कि 5वें सैटरडे को साउथ के पिक्चर में कि यहाँ पे शोज़ हैदराबाद के अंदर हमें फास्ट फीलिंग है वो देखने को मिले। बट यहाँ पे भाई कल की ऐसा कमाल धमाल है वो करते हुए दिखाई है वो दे रही है। इवन मैंने चेन्नई देखा भाई, चेन्नई क्या चल रहा है भाई, तमिल 2D 3D वर्जन भाई शोज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, अभी ज़्यादा कुछ बचे ही नहीं है। रियान पिक्चर आ चुकी है, धनुष की काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उसको। तो जितने भी शोज़ हैं भाई मैक्सिमम आपको आज ऑरेंज है वो दिखाई देगा। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर मेरे भाई, वो भी तमिल मतलब कि डब वर्जन में। इवन मैंने हिंदी के भी देखे वहाँ पे, अभी 2-3 शोज़ हैं 2D वर्जन के और 1-2 शोज़ हैं संभाई 3D वर्जन का, और ऑल ऑफ शोज़ हैं वो हमें फास्ट फीलिंग है वो देखने को मिल रहे हैं भाई। क्लैपिंग तो बनती है, काश यहाँ पे शोज़ 2-3 के बजाय भाई 10-12 शोज़ होते तो शायद वो भी भाई फास्ट फीलिंग है हमें देखने को मिलती एंड नंबर थोड़ा और भी ज़्यादा आ सकता था। बट अभी देखो 30 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है तो कई अनदर प्रोजेक्ट भी आते हैं तो भाई शोज़ तो जाने ही थे, ये तो सभी के साथ होता है ऐसा। तो आज कितना नंबर आ सकता है देखो, अभी तो ये सुबह का टाइम है, अभी सुबह सुबह अगर इस तरह शोज़ हमें फास्ट फीलिंग है वो देखने को मिल रहे हैं इसका मतलब कि आज बड़ा धमाका होने वाला है। अब 2.50 CR के आसपास भाई डोमेस्टिक नेट पकड़ लो। हाँ मुझे पता है कि मैंने नंबर थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया, बट ये कल की है भाई, हमेशा सैटरडे एंड संडे को भाई इसने सरप्राइज़ दी है तो आई थिंक हमें आज अगेन सरप्राइज़ है वो देखने को मिलेगा। तो 2.50 CR आप भाई इजीली पकड़ लो, इतना ये भाई नंबर है वो आज के दिन पिक्चर भाई कलेक्शन है वो करने वाली है। लेट्स सी गाइस, अभी देखते हैं कि भाई इतना आ पाएगा या फिर नहीं। और हाँ आज भाई हमारा दोपहर में एपिसोड आएगा भाई, आज सैटरडे है, सैटरडे और संडे को आज सभी को पता ही है, अभी शायद ये लास्ट ही हमारा सैटरडे संडे को दोपहर में एपिसोड है वो आएगा। नेक्स्ट आगे 6th वीकेंड में भाई इतने शोज ही नहीं बचेंगे आई थिंक सो। तो भाई रेडी हो जाओ, कंपेरिजन करेंगे फ्राइडे के साथ कि दोपहर सेम टाइमिंग भाई कितना बड़ा हमें जंप है वो देखने को मिलता है। तो आई होप सभी को भाई अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी डिवाइस एडवांस बुक और डिवाइस क्लेशन ऑफ रिपोर्ट्स हो सब कुछ अपडेट्स आपको इस जगह पर मिलता रहेगा। तो करके रहो जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस अपडेट इस वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए।